अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कड़ी पकौड़ा लेके हाजिर हुई हूँ। बहुत ही इजी आसान सी रेसिपी है, घर में आप इजीली बना सकते हैं। ये तमाम मसाले मैंने काट लिए हैं, पकौड़ों के लिए भी और कड़ी के लिए भी ये मैंने काट लिए हैं। और ये मैंने लस्सी बना ली है, आधा किलो दही लेनी है और उसकी लस्सी बना लेनी है। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसकी लस्सी बनानी है। लस्सी में बेसन ऐड करूँगी, बेसन के 4 चम्मच आपने ऐड करने हैं इसमें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ये अब मिक्स हो चुका है। दही आप कोई सी भी ले सकते हैं, खुली भी ले सकते हैं या पैकेट वाली भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि जो खुली दही होती है वो ज़्यादा खट्टी होती है, जो पैकेट वाली होती है वो उसका बिल्कुल सही टेस्ट होता है। तो सबसे पहले मैं कढ़ी बनाऊंगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और अब मैंने इसमें ये बड़े वाले 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसको गर्म होने देना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पहले प्याज डालूंगी। प्याज को थोड़ी देर के लिए ब्राउन करना है। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, हल्के से ब्राउन करने हैं, ज्यादा ब्राउन नहीं करने हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, इसको मिक्स। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है, हल्का सा। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी और साथ ही हरी मिर्च भी डाल दूंगी। अब इसको मिक्स कर दें और साथ ही मैं मसाले भी डाल दूंगी। 1 चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च डाली है, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, 1 चम्मच नमक। इसको मिक्स करना है और इसको भून लेना है मसाले को अच्छी तरह से। जब तक टमाटर का पानी खुश्क हो जाए इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अगर ये नीचे लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है, 5 मिनट के लिए। मसाला हमारा बन चुका है, अब मैं इसमें ये लस्सी डालूंगी जिसमें मैंने बेसन ऐड किया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसमें डालना है आपने, और साथ साथ चम्मच भी हिलाना ताकि गुठलियाँ ना बने, साथ साथ चम्मच भी हिलाना। और इसको 5 या 10 मिनट के लिए नहीं पकाना, इसको कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा पकाना। पकोड़े बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है, अब इसमें मैं ये मसाले डालूंगी। प्याज डालनी है बारीक कटी हुई, टमाटर डालना है, हरी मिर्च है और ये धनिया डालना है। आलू डालने हैं बारीक काट के रखे हुए थे, सुर्ख मिर्च डाली है, खुश्क धनिया पाउडर, नमक। पहले इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है, फिर इसमें हल्का सा पानी डालना है। इसको थोड़ा सख्त रखना है, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना, क्योंकि अगर ये पतले हो गए तो पकोड़े नहीं बनेंगे अच्छे से। क्योंकि प्याज डाले हैं तो प्याज डालने की वजह से बहुत पतला हो जाता है आटा, तो पकोड़े नहीं बनते। तो इसमें थोड़ा हल्का सा पानी ऐड करना, बस इतना पानी काफ़ी है। 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, ये देखें कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब लास्ट में इसमें मैं हरी मिर्च डालूँगी और गरम मसाला ऐड करूंगी और ये पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी। और इसको जस्ट 1 मिनट के लिए ढक्कन देके रख दें। पकोड़ों का मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब मैं पकोड़े फ्राई करने लगी। इसको हमने चूल्हे से नीचे उतार दिया है। पकोड़े बनाने के लिए हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है फ्राई पैन में। हम इसमें पकोड़े बनाने के लिए पकोड़ों का मसाला डालेंगे। फाइनली हमारे पकोड़े हो चुके हैं रेडी, अब हम इसको कढ़ी में डालेंगे। पकोड़े डाल दिए हैं, अब मैं इसके ऊपर डालूंगी हरा धनिया। अब मैं लास्ट में इसमें वो ऑयल डाल रही हूँ जिसमें मैंने पकोड़े फ्राई किए थे, और इससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी आ जाएगी कढ़ी की। कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त, देखें कितनी प्यारी और अच्छी लुक आई है। और मैंने इसे मिक्स कर दिया है, अल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों, आज आपकी मम्मा ने आपके लिए कढ़ी पकोड़ा बनाया है। वेलकम, मोस्ट वेलकम। अब हम खाना खाने लगे हैं, तो इसी के साथ आप हमें दे इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।